इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे। इस बाउल में हम 100 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल हम मोइन के लिए डालेंगे। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च पाउडर थोड़ा कम डालें या स्किप कर दें। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डालेंगे। इन सभी को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छे से डो बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते की खास बात यह है कि आप सुबह शाम चाय के साथ ले सकते हैं या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो लीजिए, हमारा सॉफ्ट और स्मूथ डो बन करके तैयार है। एक बार मैं दबा कर दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए इस डो को हम ढक के रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, हमारे डो सॉफ्ट हो गए हैं। डो बनाने के बाद हम इसे 3 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हम इसे गोल आकार में लोई बनाएंगे। तो लीजिए, हमने सभी लोई को गोल शेप में तैयार कर लिया है। तो चलिए, अब हम इसे बेलने चलते हैं। दोस्तों, चकला और बेलन में मैं तेल लगाकर बेल रही हूँ। अगर आप चाहें तो सूखी आटे से भी बेल सकते हैं। अब हम इसे फिंगर से प्रेस करके बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इतना ही पतला रखना है। अब हम फरंग के मदद से हम इस तरह कर देंगे ताकि हमारे नाश्ते फूले नहीं। अब हम एक गिलास के मदद से इसे गोल शेप में काट लेंगे। अब बचे हुए पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। अब इसी प्रकार से हम सभी नाश्ते को बेल करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नाश्ते को तलने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल रखा था और अब ये तेल गर्म हो गया है। अब हम इस तेल में एक एक नाश्ते को डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते इस नाश्ते को दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक तलेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमारे नाश्ते बनके तैयार हैं। अब हम इसी तरीके से सारी नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है। मैं एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज के ये मज़ेदार रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।